के जरिए आप देख सकते हो। मतलब मैदान में अगर एक चींटी भी आ जाए ना तो वो भी आप यूट्यूब पर देख सकते हो। इतना बेहतरीन ये कैमरा वर्क है, इतना बेहतरीन ये ब्रॉडकास्ट है। ट्रिपल एस के माध्यम से शुरुआत होता है मुकाबला। जोरदार तालियां कीजिए इस मुकाबले के लिए, इस घमासान मुकाबले के लिए। चलते हैं मैदान के भीतर। पहली गेंद लेकर राहुल योगेश पहली गेंद पर एक रन लेते हुए। यह मुकाबला ऐसा मुकाबला रहने वाला है, सोहम तेजस्पोर्ट की गेंद बल्लेबाजी और ब्लू ओशन की गेंदबाजी, लेकिन उसके बीच खड़ा रहेगा एक बल्लेबाज, वो है योगेश मिस्त्री। सिंधुदुर्ग जिले के इतिहास में पहली मर्तबा जुपिटर बाइक रखी गई थी बॉक्स क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज को, और वो जुपिटर बाइक जिसने अपने नाम की थी वो नायाब खिलाड़ी योगेश मिस्त्री बल्लेबाजी की क्रीज पर खड़ा है। फिर से कट करते हुए एक रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ दो रन। बिल्कुल धीमी तरीके से मुकाबला अगर देखा होगा पिछले चार दिन से, तो बिल्कुल चार दिन से बड़े स्कोर बने नहीं है। 18-20 के मैचेस होते रहे और इसी वजह से गेंदबाजों ने अपना दबदबा बनाया है इस मैदान के भीतर। इसी बीच इस सिंधुदुर्ग जिले के चित परिचित व्यक्तिमत्व वैभव सावंत जी का आगमन होता है। बहुत बहुत स्वागत है वैभव सावंत जी, आपसे गुजारिश रहेगी कि आप स्टेज पर आ जाए और रंगमंच की शोभा बढ़ाए, गुजारिश है आपसे, विनती है। तो स्कोर बोर्ड है मैदान पर तीन रन। राहुल फिर तैयार है, पहला ओवर चलता हुआ और यह पहला ओवर बिल्कुल इसी तरीके से धीमी रफ्तार से चलेगा। बिल्कुल शांत और संयमी रूप से खड़े हैं योगेश मिस्त्री। जानते हैं बड़े शॉट खेलने की दरकार नहीं, उनके पास गेंदबाजी उनकी ताकत है। अगर वो 18-19-20 भी रन बनाएंगे तो मुश्किल कर सकते हैं सामने वाली टीम को, और सोहम तेजपुर कुडाल टीम को भी पता है कि हम उन्हें कम से कम रनों में रोकना चाहिए क्योंकि गेंदबाजी सामने वाली टीम की ताकत है। तो बिल्कुल ये रणनीतियां होगी, दाव पिच होगी, योजनाएं आखी गई होगी। ये बढ़िया स्ट्रोक है, बैकफुट से पंच किया योगेश मिस्त्री ने। कितने मिलेंगे? एक रन मिलता हुआ, एक पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ सिंगल के साथ पांच रन, पांच गेंदों के समाप्ति के बाद अभी तक बराबरी का खेल चलता हुआ। दो दिग्गज टीमें के बीच ये मुकाबला है, दो ताकतवर टीमें हैं, जानते हैं एक दूसरे की ताकत क्या है। राहुल कालब योगेश मिस्त्री एक दूसरे के सामने अमूमन खेला करते हैं सिंधुदुर्ग क्रिकेट में, और इसी वजह से जानते हैं एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी क्या है, और उसी तरीके से खेल मैदान के भीतर होता हुआ। स्ट्राइक पर अब आखिरी बॉल का सामना करने के लिए उमेश धन्नूर, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है, पिंगोली से बिलोंग करते हैं, कुडाल से बिलोंग करते हैं और अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उमेश धन्नूर। क्या रणनीति होगी, क्या सोच होगी, क्या आखिरी बॉल पर स्ट्रोक करेंगे, रिस्क लेंगे क्या, जोखिम लेंगे क्या? अगर रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है, और ये रिस्क लिया लेकिन बेहतरीन फील्डिंग छोटू मिस्त्री की। यहां पर तारीफ काबिल फील्डिंग, सभी मौजूद दर्शक तालियों के साथ इस्तकबाल करते हुए इस फील्डिंग का और तालियां गूंजते हुए, और इसी फील्डिंग के साथ साथ पहले ओवर के समाप्त होते हुए स्कोर बोर्ड है बिना किसी नुकसान के पांच रन। फिर से बैकफुट से पंच किया है,
एडगणी नूतन रोगी यांचं आगमन झालेलं आहे, आपलं सहर्ष स्वागत आहे आणि आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे। सन्माननीय नूतन रोगी, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। स्पर्धे दरम्यान आपण व्यासपीठावर येऊन या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे। धन्यवाद। मैदान के भीतर चलते हैं। योगेश मित्र यहाँ पर अपना काम स्कोर बोर्ड होता हुआ, स्कोर बोर्ड 3 गेंदों के समाप्ति के बाद 9 रन, सिंगल सिंगल तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ। आखिरी बॉल जो डॉट रही थी उसको दूसरे ओवर के पहले ही गेंद के ऊपर भरपाई उसकी की योगेश मिस्त्री ने, वो 2 रन का शॉट खेलकर और बराबरी पर ला लिया इस मुकाबले को। जानती है कुडाल की टीम 15-16 से ज्यादा रन बनाने दे दिए तो बाद में बल्लेबाजी करते समय बनाने मुश्किल पड़ सकते हैं, इसीलिए वो आपने फील्डिंग का कवच देखा था बेहतर। ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी लेकिन विकेट कीपर युवा खिलाड़ी नन्ना खिलाड़ी मयूरेश से गलती होते हुई और जो संभावित डॉट बॉल हो सकती थी वो यहाँ पर 1 में तब्दील होती हुई 22 के रूप में स्कोर बोर्ड होता हुआ इस सिंगल के साथ 10 के ऊपर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। इसी बीच हमारे मित्र हमारे साथी सहयोगी और हरफत वाला व्यक्तिमत्व गोपी मालनकर का आगमन होता है। बहुत बहुत स्वागत है गोपी मालनकर कमेंट्री कक्षा में आपका। आप जब होते तो मजा आता है। ये फिर से कदमों का इस्तेमाल, स्टेप आउट किया था, डांसिंग डाउन द ट्रैक और एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड होता हुआ 11 रन। आखिरी बॉल बची है दूसरे ओवर की, 3 ओवर का मुकाबला है और 3 ओवर के मुकाबले में कम से कम 18-20 रन जीत की गारंटी दे सकते हैं। ये बढ़िया स्ट्रोक था लेकिन सामने है एक बेहतरीन खिलाड़ी, ये दीवार है गोटिया कामली, ये कमाल का स्ट्रोक था। उमेश धन्नूर ने दोनों बार कोशिश बढ़िया की थी लेकिन सामने वाली टीम की जीत उनके कोशिश से ज्यादा बड़ी थी और उनकी फील्डिंग उनकी ताकत है और वो ताकत मैदान के भीतर दिखाते हुए और फिर मरतबा एक बेहतरीन संभावित छक्के को तब्दील करते हुए निर्धाव गेंद में। ये कमाल की फील्डिंग है, ये मैच जिता हुआ एफर्ट से, इस प्रकार की फील्डिंग इस प्रकार के छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बाद में मैच के नतीजों पर परिणाम डालते हैं, परिणाम कारक होते हैं और इसी वजह से 2 ओवर के समाप्ति और स्कोर बोर्ड है बिना किसी नुकसान के 11 रन। ये 12 भी हो सकते थे, ये 15-14 भी हो सकते थे लेकिन फील्डिंग जो हुई है दोनों ओवर के आखिरी गेंदों के ऊपर वो लाजवाब थी, वो दिखाते हुए सोहम तेजसपुर कुडाल की टीम ना अपनी गेंदबाजी ना अपनी बल्लेबाजी अपनी फील्डिंग की वजह से भी वो मुकाबले जीतते हैं और इसीलिए इस सिंधुदुर्ग जिले की एक ताकतवर टीम है। लेकिन सामने योगेश मिस्त्री और योगेश मिस्त्री जब तक खड़ा रहेगा तब तक एक बेहतर स्कोर की उम्मीद लगा सकते हैं क्योंकि ये बेहतरीन खिलाड़ी है, बाइकर मैन है सिंधुदुर्ग जिले का योगेश मिस्त्री। ये खड़ा तो साला सरकार से बड़ा, इतनी ताकत है, वन मैन आर्मी जिसे कहा जाता है, अकेला सेना के समान लड़ सकता है और सामने वाली सेना को परास्त कर सकता है अकेला खड़ा रहकर, इतना ताकतवर ये खिलाड़ी है। सामने गेंदबाज है मयूरेश शिवड़ावकर, एक युवा खिलाड़ी, ये छोटा तीर घाव गंभीर करता है, तेज फेंकता है, बहुत तेज फेंकता है। मुंबई के बेहतरीन खिलाड़ी गेंदबाज यहाँ पर शामिल हुए हैं इस प्रतियोगिता में लेकिन ये मयूरेश शिवड़ावकर नामक गेंदबाज कुछ उसी शैली का गेंदबाज है, मुंबई स्टाइल में गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। ये शुरू करता हुआ इस बड़े मैच में डू और डाई में अपनी तकदीर आजमाता हुआ, पहली गेंद बेहतरीन। योगेश मिस्त्री बढ़िया खेलते, हमने देखा था माडाचवाड़ी में जो टूर्नामेंट हुई थी उस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेले थे, सुपर ओवर में 8 रन चाहिए थे और वो 8 रन निकाले थे योगेश मिस्त्री ने, तो अनुभव है योगेश मिस्त्री के पास और वो टैलेंट भी है, वो खूबी भी है, वो कौशल्य भी है उनके पास इस तरह की गेंदबाजी खेलने के लिए, इस शैली की गेंदबाजी खेलने के लिए। तो योगेश मिस्त्री यहां पर बड़े ही आराम के साथ खेलते हुए स्कोर बोर्ड 12 के ऊपर फिर से 1 रन आता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए युवा गेंदबाज टप्पा पकड़ते हुए, सटीक टप्पा अगर पकड़ेंगे तो मुश्किल करेंगे। स्कोर बोर्ड 13 के ऊपर चला जाता हुआ, 4 गेंदों का खेल बचा है, बिल्कुल बराबरी पर मुकाबला चलता हुआ, कोई भी टीम आगे नहीं बढ़ती हुई, कदम से कदम मिलाकर चलते हुए किसी भी टीम को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते हुए एक दूसरे को, ये दोनों ही टीमें बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलते हुए। अंपायरिंग का जिम्मा अभी तक शानदार घोटिया गौंडे के माध्यम से, कदमों का इस्तेमाल और ये डॉट बॉल है, टेम्परमेंट यहां पर लूज कर गए। अभी तक बढ़िया तरीके से खेल रहे थे, एक बड़े शॉट की खोज थी, एक बड़े शॉट की फिराक में थे योगेश मिस्त्री लेकिन एक लूज शॉट खेल बैठे। निर्धाव बॉल डॉट बॉल है और ये डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट करते हैं बॉक्सर क्रिकेट में। अगर 18 गेंदों में आपने अगर एक भी डॉट बॉल खेले ना बड़े मुकाबले में तो फिर वो गलती मानी जाती है। स्कोर बोर्ड वही का वही 13 के ऊपर फिर से बढ़िया स्ट्रोक है और राहुल काल अब ऐसे बॉल छोड़ते नहीं है। 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बोर्ड वही का वही 13 के ऊपर। बैक टू बैक 2 डॉट बॉल डाल चुके हैं ये युवा खिलाड़ी, मात्र 16 साल का ये युवा खिलाड़ी, युवा गेंदबाज है मैन फ्रॉम कुडाल मयूरेश शिवड़ावकर, क्या गेंदबाजी करता हुआ इस बड़े खिलाड़ी के सामने, हिम्मत के साथ गेंदबाजी करता हुआ, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बांध कर रखा है योगेश मिस्त्री को, क्या जंजीरें तोड़ेंगे।
शार्पी लावू नका विनंती आहे, शार्पी ऑपरेटर आपल्याला विनंती आपण शार्पी लावू नका, कारण अंपायर्स बरोबर समोर जे खेळाडू आहेत त्यांना सुद्धा त्रास होतोय, लाईट डोळ्यामध्ये बसते, विनंती असेल आपल्याला शार्पी प्लीज ऑपरेट करू नका। और इसे बीच मयूरेश शिवडावकर योगेश वर्सेस मयूरेश की इस जंग में जीत हासिल करते हुए आखिरी हंसी हंसते हुए और ये बड़ी सफलता अर्जित करके देते हुए अपने टीम के लिए वन मैन आर्मी। और एक रन होगा, बेहतरीन गेंदबाजी, दरिया है ये, इसे अपना हुनर मालूम है, गुजरेगा जिधर से रास्ता बना देगा, कुछ इस प्रकार की ये गेंदबाजी, अपना धाक जमाने वाली गेंदबाजी, अपना नाम बनाने वाला ये मैदान के भीतर गेंदबाजी करता हुआ मयूरेश शिवडावकर। पहले इनिंग की समाप्ति होते स्कोर बढ़े 14 रन, इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च करके योगेश मिस्त्र जैसे एक बेहतरीन बल्लेबाज को आउट किया है, विकेट चटकी है मयूरेश शिवडावकर ने, बिल्कुल मैच विनिंग परफॉर्मेंस है ये, जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदों में 15 रन। नेक्स्ट मैच आहे आणि नेक्स्ट मैच चे दोन्ही जे कॅप्टन आहेत त्यांना विनंती आहे आपण समालोचन कक्षाच्या मागे यायचं आहे। नेक्स्ट मैच मधील दोन्ही जे कॅप्टन आहेत त्यांना विनंती आहे आपण समालोचन कक्षाच्या मागे यायचं आहे, आपल्याला विनंती आहे। टीम में सभी खिलाड़ी बेहतर है, अगर ये एकजुट होकर खेलेंगे तो संघर्ष होगा, लेकिन अभी चाहिए एक 18 गेंदों में 15 रन। क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कभी कभी छोटा टोटल बड़ा हो जाता है और कभी बड़ा टोटल छोटा हो जाता है, तो ये मुकाबला मजेदार रहेगा, लो स्कोरिंग एनकाउंटर। सामने योगेश मिस्त्री और योगेश मिस्त्री के सामने राहुल कालप, दो दिग्गज खिलाड़ी और वाइड के साथ शुरुआत कर दी है कंगाली में आटा गीला करते हुए, क्योंकि पहले तो आपने बल्लेबाजी करते समय कम रन बनाया है, उसके बाद अगर अतिरिक्त गेंदबाजी होगी तो फिर मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। फिर से यहाँ पर एक रन लेते हुए कवर के क्षेत्र में राहुल कालप, जानते हैं मैचेस को फिनिश करना, जानते हैं किस प्रकार से छोटे टारगेट के लक्ष्य को पार करना है, अनुभव है इस बल्लेबाज के पास। डॉक्टर सी एस गोड़े मड़चौड़ी में महेशपुर चषक हुआ था, उसमें 7 मुकाबलों में नॉट आउट रहता ये बल्लेबाज, ये आइकॉन खिलाड़ी, इस दर्जा का ये बल्लेबाज है, तो इसको पता है किस प्रकार से जगह पे खड़े रहकर मुकाबले को खत्म करना चाहिए, ये बखूबी जानता है, अनुभव है उसके साथ, नॉन स्ट्राइक पर गोटिया काम लिया, वो एक दिग्गज बल्लेबाज है, अपने आप में बड़ा नाम है और बहुत सारी फैन फॉलोइंग है गोटा कामले की, बहुत सारे दर्शक गोटा कामले की वजह से उसका खेल देखने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे, इतना बड़ा ये खिलाड़ी है, कद्दावर खिलाड़ी है। स्कोर बढ़ोता हुआ 3 रन, फिर से टैप खेलते हुए 1 रन के लिए, स्कोर बोर्ड इस सिंगल के साथ 4 पर चला जाता हुआ, बिल्कुल सामने वाली टीम थोड़ी सी अपने आप को कोसेंगे, जिस तरीके से 2 ओवर में रन बने थे, शायद 3रे ओवर जो मयूरेश शिवडावकर था मेरे ख्याल से मैच में डिफरेंस डाल गया, प्रशांत जी जो गेंदबाजी उस युवा खिलाड़ी ने की थी, मात्र 16 साल का वो लड़का है और 16 साल के लड़के ने
योगेश मिस्त्री जैसे दिग्गज बल्लेबाज को बांध कर रखा, सिर्फ बांध कर नहीं रखा उसको आउट भी कर दिया, तो वो बहुत बड़ी जीत है। उसका आत्मविश्वास उसके करियर के हिसाब से वो एक बहुत बड़ी चीज हो गई इस टूर्नामेंट में। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले है, डू और डाई के मुकाबले है, और डू और डाई के मुकाबले में आपका सब कुछ अपना सर्वश्रेष्ठ देने के प्रयास करना चाहिए, लेकिन आज थोड़े से कम पड़ गए बल्लेबाजी करते समय। यहाँ पर फिर से बैकफुट पे जाकर पोल कर दिया है 1 रन के लिए, स्कोर बढ़ होता हुआ इस सिंगल के साथ 5 के ऊपर। ज्यादा कुछ बड़े प्रहार करने की जरूरत नहीं है, चौको छक्कों की जरूरत नहीं है, सिंगल से काम बन सकता है। और राहुल काला बेवकूफी करते नहीं है, ये होशियार बल्लेबाज है, ये समझदार बल्लेबाज है, सूझबूझ है उसके पास, उसके पास प्लानिंग है, योजना है, रणनीति है, किस प्रकार से ये 15 रन बनाने हैं ये बखूबी जानता है राहुल काला, और रनों का पीछा करने के लिए चेस मास्टर है। फिर से यहाँ पर ये डॉट बॉल आती हुई, और आखिरी बॉल पर योगेश मिस्त्री यहाँ पर जीत हासिल करते हुए पहले ओवर की समाप्ति होते हुए स्कोर बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के 6 रन। कितने दिग्गज खेळाडू ह्या सामने दरम्यान खेळताना पाहायला मिळतात। निश्चितच एका बाजूला विचार केला तर अण्णा कदम सारखा एक गोलंदाज फलंदाज अष्टपैलू खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। जवळपास 15 ते 20 वर्षा हा खेळाडू मैदानामध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतोय। पहिला सामन्याचा जो चौकार ठोकला आहे त्या चौकारवर आजपर्यंत इथे टिकून असलेला संघ ब्लू ओशन अण्णा कदमच्या चौकारवर आपल्याला पाहायला मिळतोय। तिचे त्या संघामध्ये ह्या सामन्यामध्ये कमबॅक करावं लागेल ओशन ब्लू संघाला। हॅलो, 12 गेंदों में 9 रन की दरकार है, और देखा जाए तो क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही आसान लक्ष्य है, मामूली लक्ष्य है, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, ये करवट बदलते हुए वक्त नहीं लगाता गोपी, आपने देखा है कभी कभी ऐसा लगता है कि आसानी से जीतने वाले मुकाबले फंस जाते हैं, और कभी कभी कठिन मुकाबले का कठिन टारगेट जो होते हैं, बड़े टारगेट होते हैं, उन्हें चेज किया जाता है। तो यही क्रिकेट है, यहाँ से हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बनने के लिए वक्त नहीं लगता है। ये क्रिकेट ये गेम बहुत बड़ा लेवलर है, और यहाँ पर अगर कोई बेवकूफी नहीं की तो आसानी साथ जीत सकती है कुड़ाल की टीम। और पहली बॉल थी सागर बुक्टे की, ललचाया था फ्लाइट में, लेकिन 1 रन मिल गया आखिरकार। बल्ले का किनारा जरूर लगा था, लेकिन स्ट्राइक पर खेलेंगे राहुल कलब, गोटा कंपनी नॉन स्टिक पर चले जाते हुए 8 रन की दरकार है 11 गेंदों में। तो क्या कहोगे इस टूर्नामेंट के बारे में, इस योगेश मिस्त्री, अपना जो योगेश मिस्त्री है सिंधुदुर्ग जिले की पहली बाइक उसके नाम हुई है बॉक्सर ब्रिगेड की पहली मर्तबा, उसके बाद बहुत सारों को मिलेगी, उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, लेकिन जो पहली मर्तबा हासिल करता है, जो पहला कीर्तिमान रचता है, उसका नाम हमेशा सालों तक सदियों तक याद रहता है। तो क्या कहेंगे योगेश मिस्त्री के बारे में, उनका सपूत है निश्चितच समीर चव्हाण। पहली बाइक जिंकणारा मालवण तालुक्यातील खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो योगेश मिस्त्री या स्पर्धेदरम्यान। या सामन्यादरम्यान धाव संख्येसर ते 8 धावा सुरेख गोलंदाजी सागर करतोय, मात्र तेवढीच फलंदाजी हे दिग्गज फलंदाज मालवण आणि कुडाळ तालुक्यातील राहुल काळप आणि गोट्या कांबळी हे दिग्गज फलंदाज मानले तरी अवघा ठरणार नाही, कारण हे दोन फलंदाज जोपर्यंत मैदानामध्ये ठाण म्हणून आहेत तोपर्यंत कुठलीही धावा कुठलंही लक्ष्य छोटं ठरत नाही। मात्र योगेश मिस्त्र्यांची फलंदाजी गेली होती CS गोडे चषकामध्ये, उत्कृष्ट फलंदाजी जीवावर सुरेख कामगिरीच्या जीवावर पहिला बायकर मॅन म्हणून ओळखला जातो राहुल माफ करा योगेश मिस्त्री, आणि त्यांच्यासमोर फलंदाजी करतो तो राहुल काळप हा सायकल मॅन म्हणून ओळखला जातो। 2 बायसिकल त्याच्या नावावर आहेत, इस्वटी महापुरुष चषक मालवण आणि त्यानंतर CS गोडे चषकची सायकल ही राहुल काळपच्या नावावर आहे। निश्चितच तुम्ही बोललात बरोबर आहे समीर चव्हाण की बाइकर दुसरा मिळवेल की नाही हे माहिती नाही, कारण बाईक लावणारं मंडळ देखील लागतं। निश्चितच ते वैभव सावंतने करून दाखवलं आणि मालवण तालुक्यामधील देखील थोड्या दिवसात किंवा थोड्याच काळामध्ये बाईक लागल्या जातील मॅन ऑफ द सिरीज, मॅन ऑफ द गोलंदाज किंवा मॅन ऑफ द फलंदाजासाठी बाईक लागल्या जातील। सामने करूया समीर चव्हाण। बिल्कुल गोपी, आप बाइक की बात करें, मुझे लगता है आने वाले समय में 4 व्हीलर में सफर करेंगे हमारे ये खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी है। आप बाइक की बात मत कीजिए, 4 व्हीलर में सफर करेंगे आने वाले कुछ सालों में। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, और फिर हमारे ये जो खिलाड़ी है
घूमेंगे फोर व्हीलर में जो मैन ऑफ द सीरीज की होगी। एक रन लेते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ इस सिंगल के साथ 12 रन, 3 रनों की दरकार है, 6 गेंदों में 3 रन चाहिए गोपी योगेश की बात के, क्योंकि योगेश ने बेहतरीन, मुझे लगता है मुझे बहुत खुशी हुई थी कि योगेश को वो बाइक मिली थी, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर देखा जाए तो योगेश मिस्त्री जिस कद का जिस गमा का खिलाड़ी है उस हिसाब से उसकी तो जिस कद का वो बल्लेबाज था तो उतनी जो सफलता थी उसकी झोली में डाली नहीं थी किस्मत ने, लेकिन किस्मत ने उसके लिए बेस्ट रखा था, किस्मत ने उसके लिए कुछ खास सोचा था। बेहतर योद्धा की बेहतर कड़ी परीक्षा ली जाती है, तो कड़ी परीक्षा चल रही थी 2 सीजन से योगेश मिस्त्री की, लेकिन एक ही मारा पर सॉलिड मारा योगेश मिस्त्री ने, यादगार सालों तक सदियों तक इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षर से अपना नाम अंकित किया है इस योगेश मिस्त्री ने। मैन फ्रॉम मालून यहाँ पर गोटिया कामली अन्ना कदम की ये बेहतरीन फील्डिंग, बेमिसाल फील्डिंग, लगभग 40 साल का ये युवा खिलाड़ी मैदान के भीतर मैन फ्रॉम कुड़ाल खेलता हुआ बहुत सालों से खेल रहा है बॉक्स टैप क्रिकेट, बॉक्स टैप क्रिकेट जब से शुरू हुआ है तब से इस बॉक्स टैप क्रिकेट से जुड़ा हुआ ये बंदा है। अन्ना कदम शांत चित से खड़ा है, टर्मिनेटर है, अहम मौके पर आकर मैच को जिताने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए जाना जाता है ये अन्ना कदम। स्कोर बोर्ड होता हुआ इस स्कोर बोर्ड 12 के ऊपर रुका हुआ है, 5 गेंदों में 3 रन चाहिए। ब्लू ओशन के जो मालिक है प्रशांत साहब यहाँ पर थोड़े से दबाव में दिखाई देते हैं। गोपी प्रशांत जी स्कोरिंग का काम करते हैं, यहाँ पर बल्ले का किनारा लगा था, बल्ले का किनारा लगकर 1 रन आता हुआ। रन किस तरीके से आते हैं ये मायने नहीं रखता, रन आते रहना चाहिए ये मायने रखता है, और रन आता हुआ जो महत्वपूर्ण सिंगल था वो सिंगल आता हुआ जीत के समीकरण बदलते हुए 4 गेंदों में अब चाहिए 2 रन चाहिए। राहुल कालब और गोटिया कामरे जैसे दो दिग्गज बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अमूमन बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है, लेकिन ये किस्मत का खेल है, यहाँ पर किस्मत बदलते वक्त बदलते देर नहीं लगती है। तो 4 गेंदे बचे, होप नहीं छोड़ने चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आप मन में अपने पॉजिटिव रहना चाहिए तब जाकर मुकाबले यहाँ से भी जीता जा सकता है। उमेश धनुर गेंदबाजी करता हुआ, अलग शैली का गेंदबाज है, और ये नो बॉल नो प्लस वन, इसका मतलब मुकाबला खत्म होता हुआ। सोहम तेजस स्पोर्ट कुड़ाल की टीम सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म करते हुए, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस टीम के लिए, और ब्लू ओशन ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की, हिस्सा लिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके अगले सफर के लिए।